C5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए। कभी भी कहीं भी वो आ रही है। अनुप्रिया करो लॉक। अनुप्रिया के कमरे से खून। ये क्या हुआ? ऐसे आपको चोट कैसे लगी? वो आ गई है। देवी माँ, हम सब पर आपकी कृपा बनाए रखना। देवी चा उदो, उदो। देवी चा उदो, उदो। साहब का तुरंत उनसे बात करनी होगी। कल्याणी की जान को खतरा हो सकता है। इस तावीज को आपको जल्द से जल्द कल्याणी को पहनाना होगा, वरना कल्याणी पर कोई घोर संकट आ सकता है। नहीं नहीं नहीं, आप चिंता मत करो, कल्याणी को कुछ नहीं होगा। ये तावीज उस तक पहुंचाने की बहुत जरूरत है। आप लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। कल्याणी का साया हमारी जिंदगी से हमेशा के लिए। इस तावीज को आपको जल्द से जल्द कल्याणी को पहनाना होगा, वरना कल्याणी पर कोई घोर संकट आ सकता है। आगे रास्ता बंद है, इसी रास्ते से जाने वाली एक बस का एक्सीडेंट हो गया है। लेकिन इस रास्ते से तो वो बस गई जिसमें कल्याणी गई थी। माँ, ये उन पैसेंजर्स की लिस्ट है जिनको रेस्क्यू कैंप ले जाया गया है, और ये उनकी जिनकी एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। माँ, यही है वो लोग जिन्होंने कल्याणी पर हमला किया था। माई, क्या क्या तुम लोगों ने कल्याणी के साथ? कहाँ है कल्याणी? हाँ, ये सच है कि हम कल्याणी को मारना चाहते थे, लेकिन कल्याणी को गलत बस में बैठाने वाले आओ साहब हैं, और आओ साहब ने खुद हमसे वादा किया था कि वो लड़की वापस इस गांव में लौट कर नहीं आएगी। अपने आप को बहुत चालाक समझ रही है ना तू? अब ये इंजेक्शन तू खुद को लगाएगी। ये काम जितने जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। कल्याणी से बात तारा अच्छा पीला। जिस लड़की के शादी के हम बात कर रहे थे ना, वो यही लड़की है कल्याणी। मेरा रिश्ता पूर्ण विराम। हमारे आज्ञा का पालन करने के अलावा तुम्हारे सामने अब कोई रास्ता नहीं। दिन का इंतजार नहीं होता मुझसे जब हम दोनों एक होंगे। तुझे से सड़क छाप रोमियो से ना मुझे निपटना कौन सी ज्यादा है। ये ओल्ड फैशन कपड़े किसके लिए? तुम्हारे लिए। क्या? शुरू से ही ढंग के कपड़े पहनती तो वो मवाली तुम्हारा पीछा नहीं करता। इसका मतलब तुम्हें लगता है कि जो आदमी मेरा पीछा कर रहा है वो मेरे कपड़ों की वजह से मेरा पीछा कर रहा है? I'm really sorry, लेकिन इस बार मैं तुम्हारी बात नहीं मानने वाली। पर तुम्हें भी समझना होगा कि प्रॉब्लम मेरे कपड़ों में नहीं, उन जैसे लोगों की सोच में है। I'm sorry. मेरे लिए पहन। आओ सर, पता नहीं कुछ तो हो रहा है।
अनुप्रिया को नौकरानियों की साड़ी पहनाना चाहती थी ना पल्लवी चाची। अब ये खुजली पाउडर बहुत भारी पड़ने वाला है। अब चाची, अब मुझे लगता है चाची को ना ठंडे पानी से नहा लेना चाहिए। और साखरपुड़ा तो नेहा के घर वालों को अनुप्रिया भी दे सकती है। माना कि आप अथर्वा की बहन है, लेकिन आपके पास सबसे गहरा रिश्ता तो अनुप्रिया का ही है ना अथर्वा के साथ। रस्म और रिवाज इतने आसानी से बदले नहीं जाते। पल्लवी का अथर्वा के साथ खून का रिश्ता है, इसीलिए ये साखरपुड़ा पल्लवी को ही देना होगा। आओ पल्लवी। आओ सर। अगर ये रस्म अनुप्रिया जी ने कर भी दी तो क्या हुआ? आखिर ये रिश्ता कल्याणी की कोशिशों का ही नतीजा है, और मुझे लगता है कि कल्याणी का हमें मान रखना चाहिए। आइए अनुप्रिया जी, आप साखरपुरा दीजिए। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। मैं अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ तुम्हारे साथ बिताऊंगा, फिर चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। मैं नेहा से सगाई नहीं कर सकता। मैं हमेशा से सिर्फ तुम्हारा हूँ, सिर्फ तुम्हारा। अथर, अगर कल्याणी ने हम लोगों को साथ देख लिया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। जिंदल परिवार है गुड्डन के मंडप में बैठने के सच से अनजान। क्या शादी होने से पहले ये सच आ जाएगा सबके सामने, या हो जाएगी ये अनोखी शादी संपन्न? आखिर कैसे बनेगी गुड्डन इंडिया की यंगेस्ट सास? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा का शादी समारोह। कल देखिए क्या तुलिका की सच्चाई मीरा के सामने आएगी, या उससे पहले मीरा और विवान हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। मुझे खाना खिलाती पर मैंने अपने ही हाथों से अपनी बहन की जान ले ली। मुसीबतों के भंवर में है चंदा और पुचकी। क्या दुर्गाष्टमी के अवसर पर कैसे चंदा बचा पाएगी पुचकी को, या फिर होगी किसी नई कहानी की शुरुआत? जानने के लिए अगला एपिसोड मिस मत कीजिएगा। और ये चुड़िया को तो मैं आज छोड़ूंगा नहीं, मार करूंगा उसे। लड़का अच्छा है, सुंदर है और मुझे बहुत पसंद है, और इस रिश्ते के लिए मेरी बड़ी सी हाँ है। सच्ची बबली वापस आ गई, बबली वापस आ गई। अरे पर बबली वापस आ गई। बात तो सुन, तेरी नेहा अकेले गई थी पर अकेले वापस नहीं आई है। तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी सबसे बड़े डर में बदलने वाली। मुझे उसको ना रंगे हाथों पकड़ना था, वो मोनिशा के साथ रेड हैंडेड। ओह, पकड़ लिया फिर रेड हैंडेड। देख, हमारे पास ना हमेशा दो ऑप्शंस होते, या तो हम झगड़ा करके बैठ जाएं या हम पीछा कर। अब अगर तू मोनिशा के सामने ही नहीं आती, उसके अंदर जाने के बाद उसके बॉयफ्रेंड को फॉलो करती, तो क्या पता तुझे पता चल जाता वो कहाँ जा रहा, उसका घर कहाँ है। हमारे हाथ कुछ तो इन्फॉर्मेशन लगती। सच में हमारा शौहर बनकर हमारे साथ रात बिताना मंजूर है? हमेशा मंजूर। तुम्हें सच में कबूल है? कबूल है। शनिवार मैं साहिल का सर्वनाश करूंगी। मोहब्बत पर छाएगा काले जादू का ग्रह। तुम्हारा ये जादू टोना मैं कामयाब नहीं होने दूंगी। रोक सके तो रोक के दिखावे दिखा। साहिल रुक जाओ। साहिल, साहिल, साहिल कहाँ जा रहे हो? क्या वेदिका मौत के सबसे बड़े चक्रव्यूह से साहिल को निकाल पाएगी? एक घंटे का महा एपिसोड।